बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नेक्स्ट जो कंटेंट है रिलेटेड टू फेज़ रूल, दैट इज़ द टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम। हमने इस लेक्चर में ये देखना है कि अगर हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, लेट सपोज कंपोनेंट ए और बी दोनों का मिक्सचर है, यानी दोनों लिक्विड हैं और दोनों को हमने मिक्स किया है और इनकी 50-50% कंपोजिशन ली है, तो जब इनको हम बॉयल करेंगे तो इनके वेपर प्रोड्यूस होंगे। वैसे जितना टेम्परेचर बढ़ेंगे तो उनके वेपर्स की जो है वो नंबर ऑफ वेपर्स भी बढ़ेंगे। तो देखना ये है कि क्या वेपर की कंपोजिशन और लिक्विड मिक्सर की कंपोजिशन दोनों सेम है। ये एक्चुअली जो कंपोजिशन है वेपर के अंदर कंपोनेंट ए की और बी की, और कंपोजिशन ऑफ लिक्विड लिक्विड मिक्सचर में कंपोनेंट ए और बी की, ये दोनों डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वेपर प्रेशर पे। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उनके वेपर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, और लिहाजा उनके जो वेपर में जो कंपोजिशन है वो ज़्यादा होगी। तो इसी टॉपिक को हमने इन डिटेल देखना है और देखेंगे कि इनमें कितनी फेजेस हमें स्टडी कर हम तो कितनी फेजेस बनेंगी, और फिर इनकी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के विद रिस्पेक्ट भी देखेंगे। सो अ टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम, ये जो टेम्परेचर कंपोजिशन जो डायग्राम है एक्चुअली ये एक फेज डायग्राम है। टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम इज अ फेज डायग्राम इन विच the boundaries show the composition of the phases that are in equilibrium at various temperatures at given pressure। यानी कि हमारे पास ये दो phases हैं, ये एक liquid phase है और this one is a its vapor phase, और ये जो in between जो boundaries के दरमियान, यानी कि ये जो phase है This is the mixture of two phases, liquid phase और vapor phase। इसमें temperature pressure को हमने constant put किया है, तो यही इसी की बात कर रहे थे phase diagram। This is a temperature और composition, temperature and composition। ये जी एक phase diagram है जो temperature और composition के दरमियान, इसको हम बोलते हैं temperature कंपोजिशन फेज डायग्राम। तो यही इसको ये जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी या चेंज होगा तो उनकी कंपोजिशन भी चेंज होती जाएगी, इसको हम इन डिटेल देखते हैं। जी एन एग्जाम्पल इज शोन इन फिगर, दिस वन फिगर इन विच लिक्विड फेज लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ द फेज डायग्राम। इस फिगर में जो लिक्विड मिक्सचर है, लिक्विड मिक्सचर की कंपोजिशन है ये, दिस वन लिक्विड मिक्सचर, ये डाउन में इसकी कर्व जो है, और जो वेपर्स है उनकी कर्व अबव है। इसको हम इन टर्म ऑफ डिस्टिलेशन देखते हैं। डिस्टिलेशन, हमारे पास एक मिक्सचर है लिक्विड का, यानी कि लिक्विड ए और बी है उनका मिक्सचर है, और उसका उनको हम डिस्टिल करना चाहते हैं, यानी दोनों लिक्विड को सेपरेट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टेम्परेचर। तो कैसे इसको हम सेपरेट करेंगे? द टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम करस्पॉन्डिंग टू एन आइडियल मिक्सचर विद द कंपोनेंट ए मोर वोलेटाइल देन कंपोनेंट बी। हमारे पास दो कंपोनेंट ए और बी है, उनका लिक्विड मिक्सचर तैयार किया, और ये हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो लिक्विड ए है दिस इज मोर वोलाटाइल, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, मोर वोलाटाइल होगा, और कंपोनेंट बी लेस वोलाटाइल। तो जैसे ही और हम इन दोनों को हम 50-50% इन लिक्विड ए ले लिया और लिक्विड बी 50-50% हमने एक कंटेनर में ले लिया, और इस कंटेनर के अंदर इनके वेपर बनेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे वेपर भी चेंज हो जाएंगे। अब वेपर की जो कंपोजिशन है वो जो लिक्विड के अंदर कंपोजिशन है कंपोनेंट ए और बी की उनसे वेरी करेगी। क्यों? क्योंकि ए इज मोर वोलेटाइल, बी इज लेस वोलेटाइल,
तो अंडरस्टूड बात है कि वेपर के अंदर जो ए की कंपोजिशन है वो ज़्यादा होगी, बी की कम होगी। और यहाँ नो डाउट, कोई एक पॉइंट ले लें, यहाँ ये पॉइंट ले लें, इस पॉइंट पर लिक्विड ए और बी 50-50% था, तो इनके जब वेपर पर रिड्यूस होंगे तो वेपर की कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट होगी। वेपर कंपोजिशन विल कंटेन मोर वोलाटाइल कंपोनेंट, दैट इज द ए कंपोनेंट। सक्सेसिव बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ अ लिक्विड ऑफ कंपोजिशन ए वन लीड टू कंडेंसेट दैट इज प्योर लिक्विड ए। क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? इसमें एक्चुअली बात यही है कि हमारे पास एक कंपोजिशन है लिक्विड मिक्सचर की, ये लिक्विड मिक्सचर है ए वन, ठीक है, ए वन लिक्विड मिक्सचर है। इसको मैंने पहले भी बोला कि हम ये सपोज कर रहे थे ये लिक्विड मिक्सचर ए वन है, इनकी जो कंपोजिशन है वो ये है कि इसके अंदर ए कंपोनेंट 50%, बी 50% है, ठीक है। अब इनको बॉयल करें, फिर इनको कंडेंस करें, यानी कि बॉयल करेंगे तो वेपर बनेंगे, वेपर की कंसंट्रेशन और लिक्विड मिक्सचर की कंसंट्रेशन वेरी होगी। अब वेपर्स को कंडेंस कर लें, वेपर को कंडेंस करेंगे, लेट सपोज वेपर में कंपोजिशन जो है वो ए 60% है और बी जो हो जाएगा 40%, यानी कि पहले लिक्विड मिक्सचर के अंदर लिक्विड ए 50% था, लिक्विड बी 50% था, और जब इनके वेपर बने, वेपर के अंदर कंपोनेंट ए 60% है और बी जो है वो 40% है, मीन कंपोजिशन वेरी हो गई। अब उन वेपर्स को आप कर दें कंडेंस, अब जैसे कंडेंस करेंगे अब हमें एक न्यू लिक्विड मिक्सचर मिलेगा। न्यू लिक्विड मिक्सचर में ए जो होगा वो 60% होगा और बी जो है वो 40% होगा। अब फिर इसको बॉयल करें, अब इस जो नया लिक्विड हमें मिला, मिक्सचर मिला, जब इसको आप बॉयल करेंगे तो इनके वेपर बनेंगे बॉयलिंग पे, जब इनके वेपर बनेंगे तो वेपर के अंदर कंपोजिशन ए की अब क्या होगी, अब 70% हो जाएगी और बी की 30%, यानी कि ए मजीद बढ़ गया, बिकॉज वी हैव इम्पोज अ कंडीशन दैट ए इज मोर वोलाटाइल, ए मोर वोलाटाइल है, इसलिए उन वेपर के अंदर ए की कंपोजिशन भी ज़्यादा होगी। अब जो नेक्स्ट जो हमें वेपर्स मिले, उन वेपर के अंदर ए 70%, बी 30%, अब उन वेपर्स को फर्दर आप कंडेंस करें, जब कंडेंस करेंगे अब इन कंडेंस होने से हमें एक लिक्विड मिक्सचर थर्ड टाइप मिलेगा। अब इस लिक्विड मिक्सचर के अंदर ए कितने परसेंट है, 70%, और बी कितने परसेंट है, 30%। अब इनको फिर बॉयल करें, जब बॉयल करेंगे इनके वेपर और बनेंगे, वेपर के अंदर ए 80% हो जाएगा, बी 20%। तो आप ये देखें ग्रेजुअली बॉयलिंग एंड कंडेंसेशन, बॉयलिंग एंड कंडेंसेशन, बॉयलिंग एंड कंसंट्रेशन, ये है सक्सेसिव बॉयलिंग्स एंड कंडेंसेशन। क्या होगा, एट द एंड लिक्विड हमें एक प्योर मिल जाएगा, एट द एंड ए कंपोनेंट हमें प्योर मिलेगा। ये जैसे ही है, ये हम नेक्स्ट पॉइंट भी देखेंगे, इसी को इसकी डिटेल भी हम फर्दर देखेंगे तो मजीद इंशाल्लाह पॉइंट क्लियर होंगे। तो ये जो सेपरेशन है, द सेपरेशन टेक्निक इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको बोलते हैं। अब इस फिगर की तरफ आते हैं, रीजन बिटवीन द लाइंस इन फिगर वन, ये रीजन, ये लाइंस के दरमियान रीजन है, दिस वन रीजन, इस रीजन में कितनी फेजेज हैं, टू फेज रीजन है। क्या है जी, इसके अंदर वेपर्स भी हैं और लिक्विड भी है, और अबव जो है वो ये सिंगल फेज है, वेपर फेज है, दिस वन इज द लिक्विड फेज सिंगल फेज, दिस वन इज सिंगल फेज एंड दिस वन इज द बाई फेज, इज द टू फेज रीजन। जब टू फेज रीजन है तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, फ्रीडम वो वन है। वन कैसे, क्योंकि हम फार्मूला आप प्रीवियस में आप कर चुके हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में, कंपोनेंट के हवाले से, फेजेस के हवाले से, तो एक जो है ना कंपोनेंट हमने तो एक फिक्स किया हुआ है ना, ये टेम्परेचर प्रेशर फिक्स किया हुआ है, ठीक है, और
जो इसमें अपना जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 1 आएगी। यहाँ ये प्राइम जो शो किया ना, एफ प्राइम इंडिकेट दैट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज बिन डिस्कार्डेड। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिस्कार्ड किया गया है एफ प्राइम, वरना हम एफ लिखते, वो डिस्कार्ड किसको किया है, क्योंकि हमने टेम्परेचर को फिक्स किया है, सॉरी प्रेशर को फिक्स किया है। इन दिस केस द प्रेशर इज बीइंग केप्ट फिक्स्ड, प्रेशर फिक्स किया गया है, हेंस एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर पर द कंपोजिशन ऑफ द फेजेस इन इक्विलिब्रियम आर फिक्स्ड। तो फिर क्या होगा जी, जो जो कंपोजिशन है गिवन टेम्परेचर में, यानी कि आप टेम्परेचर वेरी नहीं करेंगे, तो टेम्परेचर एक खास टेम्परेचर पे तो जो फेजेज हैं उनकी कंपोजिशन जो है वो सेम ही रहेगी। अगर टेम्परेचर लेट सपोज 3 है, तो इस पर जो कंपोजिशन है वो वेरी नहीं करेगी। जैसे ही आप टेम्परेचर वेरी करेंगे तो कंपोजिशन वेरी हो जाएगी। द रीजन आउटसाइड द फेज लाइंस, ये फेज लाइन से आउटसाइड, जो एक ऊपर है वेपर फेज और बिलो है लिक्विड फेज, करस्पॉन्ड टू अ सिंगल फेज। जो यहाँ सिंगल फेज, यहाँ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज अ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और इसमें टेम्परेचर और कंपोजिशन ये दोनों कैन वेरी इंडिपेंडेंट, यानी कि दे इंडिपेंडेंटली वेरिएबल, दे आर इंडिपेंडेंटली वेरिएबल हुए, बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम हेयर एंड हेयर इज 2। कंसिडर वट हैपन्स वेन अ लिक्विड ऑफ कंपोजिशन A1 इज हीटेड। A1 हमारे पास लिक्विड मिक्सचर है, इसकी ये कंपोजिशन है लिक्विड मिक्सचर की, इसको अगर हम हीट करें तो नेक्स्ट देखते हैं कि क्या इनकी कंपोजिशन चेंज होगी वेपर विद रेस्पेक्ट टू वेपर। लिक्विड कंपोजिशन A1 इज हीटेड, इट बॉयल्स व्हेन द टेम्परेचर रीचेस टू T2। ये टेम्परेचर T2 पे बॉयल करेगा जी, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो यहाँ इसका टेम्परेचर हो गया T2। इस लिक्विड मिक्सचर का जो है वो टेम्परेचर है T2, और हम इसको कह देते हैं जी बॉयल कर रहा है। और इस टेम्परेचर पर जो कंपोजिशन A1 ली थी लिक्विड मिक्सचर की, देखो स्ट्रेट अपवर्ड गई है कंपोजिशन A2, इट मीन A1 और A2 बोथ आर सेम, ठीक हुआ। लेकिन इन्हीं के मुकाबले में इसी टेम्परेचर में ये वेपर्स कर बन रही है, ये वेपर्स है, तो वेपर की कंपोजिशन देखें वो चेंज हो गई। लिक्विड की कंपोजिशन, लिक्विड मिक्सचर की कंपोजिशन एट बॉइलिंग पॉइंट T2 पर A2 है, और जबकि इनके वेपर्स, ये वेपर्स कर रहा है, ये वाली वेपर कर रहा है ना, और वेपर्स की जो कंपोजिशन है वो A2 प्राइम हो गई है। अगर इसको डाउन बॉटम की तरफ ले, एक्स एक्सिस की तरफ, तो अब कंपोजिशन ये वेपर्स की ये है, यानी कि इन वेपर कंपोजिशन में जो कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ A वो बढ़ गए, यानी कि वेपर्स, वेपर्स के अंदर कंपोनेंट A की कंपोजिशन ज्यादा है, और A2 में जो कंपोजिशन थी उसके मुकाबले में A2 प्राइम में कंपोनेंट A, ये लिक्विड A जो है मिक्सचर के अंदर, इसकी कंपोजिशन बढ़ गई, बिकॉज A इज मोर वोलेटाइल। इट बॉयल्स व्हेन टेम्परेचर रीचेस T2, देन द लिक्विड हैज कंपोजिशन A2 द सेम एज A1, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, एंड द वेपर हैज कंपोजिशन A'2। वेपर की कंपोजिशन ये है, लिक्विड कंटेनर के अंदर बॉयल कर रहा है, और कंटेनर की छत पर ये कहें या उनके जो है अबव लिक्विड के सरफेस के अबव जो वेपर्स हैं उनकी कंपोजिशन ये है, और उसमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की कंपोजिशन बढ़ गई है एज कम्पेयर टू लिक्विड मिक्सचर। द वेपर इज रिचर है इन द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट A, क्यों, द कंपोनेंट A इज हैज अ लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, इसलिए
जो वेपर होगा वो विद रेस्पेक्ट टू ए कंपोनेंट रिचर होगा और विद रेस्पेक्ट टू बी वो पुअर होगा. फ्रॉम द लोकेशन ए टू वी कैन स्टेट द वेपर्स कंपोजिशन एट द बॉइलिंग पॉइंट. एट द बॉइलिंग पॉइंट यानी कि इस लोकेशन ए टू पर हम बता सकते हैं कि वेपर की कंपोजिशन ये होगी और लिक्विड मिक्सचर ये होगी और टेम्परेचर जो है वो टी टू होगा. द लोकेशन ऑफ द टाई लाइन, इसको टाई लाइन भी बोलते हैं, दिस वन, ये ए टू को और जो ए प्राइम टू को मिला रही है टाई लाइन, ये टाई लाइन, और इसको अगर हम वाई एक्सिस की तरफ ले आए तो ये टी टू पे आके कट करेगी. द लोकेशन ऑफ द टाई लाइन ज्वाइनिंग ए टू एंड ए प्राइम टू ऑल्सो टेल द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द ओरिजिनल लिक्विड मिक्सचर. ये ओरिजिनल लिक्विड मिक्सचर का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है दिस वन टी टू. इन अ सिंपल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन हम करते हैं मुख्तलि, जिस तरह हम कहते हैं हमें डिस्टिलेट वाटर चाहिए, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारने के बाद डिस्टिलेट हमें मिलेगा, या कोई लिक्विड मिक्सचर है, दो कंपोनेंट दो लिक्विड मिक्स हैं तो उनको हम डिस्टिलेट करके दोनों लिक्विड को हम सेपरेट कर सकते हैं. द वेपर इज विदड्रॉ एंड कंडेंस. अब क्या करते हैं हम सिंपल, आप डिस्टिलेशन आप प्लांट को देखें ना तो आप उनको, अब सर्कुलर अंदर जो है ना ट्यूब्स होती हैं तो वहाँ क्या हो रहा था, उन ट्यूब्स के अंदर क्या होता है, वेपर्स को वहाँ कंडेंस किया जाता है, ठीक है, और फिर उन्हीं वेपर्स को फिर नेक्स्ट टेम्परेचर मिलता है वो बॉयल हो जाते हैं, कंडेंस होकर लिक्विड बनेंगे फिर बॉयल हो जाएंगे, फिर उनके वेपर बनेंगे तो फिर उसको कंडेंस करेंगे, तो वो उस लिक्विड बाउंड्री के अंदर मूव भी करते जाएंगे और इसी तरह एवेपोरेशन और कंडेंसेशन के प्रोसेस चलते रहेंगे. एट द एंड हमें प्योर कंपोनेंट मिलेगा. जी तो हम क्या करेंगे, जो वेपर वेपर बनता है डिस्टिलेशन में उसको विदड्रॉ कर ले, मीन विदड्रॉ मीन निकालें, उसको सेपरेट ले जाए, ठीक है, और उसको फिर कंडेंस करें, फिर एक लिक्विड मिक्सचर बना. तो इसी तरह इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं. दिस टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट अ वोलाटाइल लिक्विड फ्रॉम अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट या सॉलिड से हम सेपरेट कर सकते हैं. जिस तरह डिस्टिलेशन प्लांट में वाटर प्योर हमें मिल जाता है और जो अंदर जो नॉन सॉल्युबल जो सॉल्यूट होते हैं वो और डिस्टिलेशन प्लांट के अंदर प्रेसिपिटेट की शक्ल में वो रह जाती है और जो वाटर जो है वो नेक्स्ट मूव करके प्योर फॉर्म में हमें मिलता है. तो ये इसको अब डिस्टिलेशन प्लांट के फंक्शन को अब देखेंगे तो ये, और यानी कि ये एप्लीकेशन है डिस्टिलेशन प्लांट में या नेक्स्ट हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यूज़ करते हैं. जी अब है कि इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन साइकिल इज रिपीटेड सक्सेसिवली. बॉइलिंग और कंडेंसेशन प्रोसेस को बार बार रिपीट करते हैं. दिस टेक्निक इज यूज टू सेपरेट वोलाटाइल लिक्विड्स. हमारे पास दो वोलाटाइल लिक्विड्स हैं डिस्टिलेशन में, तो नॉन वोलाटाइल सल्यूट अलग करते हैं वोलाटाइल लिक्विड से, ठीक हो गया, या सॉलिड मटेरियल को, जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमारे पास दोनों लिक्विड वोलाटाइल हैं लेकिन एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा दूसरे का ज़्यादा होगा. दिस टेक्निक इज यूज टू सेपरेट वोलाटाइल लिक्विड्स. वी कैन फॉलो द चेंजेस दैट अकर बाय सीइंग व्हाट हैपन्स व्हेन द फर्स्ट कंडेंसेट ऑफ कंपोजिशन ए थ्री इज रीहीटेड. क्या है जी, आपको जो बॉइलिंग किया कंपोनेंट लिक्विड मिक्सचर वोलेटाइल लिक्विड मिक्सचर था बॉइल किया, अब हम इनको नेक्स्ट कंडेंस करें फिर बॉइल करें फिर कंडेंस करें तो एट द एंड आपको जो ए थ्री कंपोजिशन मिलेगी. मिक्सचर था दिस वन ए वन, यहाँ देखें ए की कंपोजिशन थोड़ी है, ये जीरो के करीब है, ठीक है, यहाँ है, फिर इसको आपने क्या किया है बॉयल किया, ठीक है, अब लिक्विड लिक्विड को आपने वेपर्स लिए, वेपर्स को कंडेंस किया, फिर आप उनको हीट किया टी थ्री पे ही गया, फिर कंडेंस किया और एट द एंड हमें जो है एक लिक्विड ये फिलहाल यहाँ इंटरमीडिएट पॉइंट मिला. अब ए थ्री जो लिक्विड मिक्सचर मिल रहा है इनकी कंपोजिशन और ए वन की कंपोजिशन में बहुत फर्क है और यहाँ ए थ्री में कंपोनेंट ए ज़्यादा है और बी कम है.
ये याद रखिएगा, जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं राइट की तरफ, ए बर्ड है, बी कम हो रहा है। यहाँ बी को शो नहीं किया गया, लेकिन अंडरस्टूड बात है, यहाँ बी वन है और ये बी कम हो रहा है, 0.8, 0.6, 0.4, इससे 0.2 और इसी तरह 0.0 हो गया। और ए जो है 0 है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और ये 1 हो गया। द फेज डायग्राम शोज दैट दिस मिक्सचर बॉयल्स एट T3। अब ये जो A3 जो मिला था हमें, A3 जो हमने वेपर्स को, जो वेपर हमें मिले उनको कंडेंस किया, अब ये लिक्विड मिक्सचर बना। लिक्विड मिक्सचर को फर्दर फिर हम हीट करेंगे तो ये बॉयल कर रहा है T3 पे बॉयल कर रहे हैं। फिर इनके वेपर बनेंगे, उनको कंडेंस करेंगे। वेपर ऑफ कंपोजिशन A3, अब इनके जो वेपर की कंपोजिशन है वो A3 होगी, उसमें मदीद ए बढ़ गया, विच इज इवन रिचर इन द मोर वोलाटाइल कंपोनेंट दैट इज ए कंपोनेंट, और इसके अंदर अब ए और ज्यादा है। तो अब अगर गौर से देखें A3 को और A2 को कंपेयर करें, ये भी वेपर्स हैं, ये भी वेपर्स हैं। अब A2 में कंपोजिशन वेपर्स की कम है ए कंपोनेंट की, और यहाँ ए की ज्यादा है कंसंट्रेशन। That vapor is drawn off and the first drop condensed to a liquid composition A4. अब हमें जो liquid mixture मिला A4 liquid mixture मिला, इसमें A is much greater than B. और शुरू में जब हमने लिया था A1 में, B was much greater as compared to A component. B यहाँ ज़्यादा था liquid mixture में, अब liquid mixture ये है, अब इसमें A ज़्यादा है जी। तो लिक्विड कंपोजिशन A4, द साइकिल कैन देन बी रिपीटेड अनटिल इन ड्यू कोर्स ऑलमोस्ट प्योर ए कंपोनेंट इज ऑब्टेन्ड। ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा जब तक ए कंपोनेंट प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। इसमें जो प्योरिफिकेशन है, जो हम लिक्विड, ये हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हवाले से देखें, तो उसमें जो एफिशिएंसी है, मीन इनको सेपरेट करने में, ये डिपेंड करता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल में तो हम तो क्या करते हैं, हमारे पास फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होते हैं, उनके अंदर लिक्विड मिक्सचर को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये नेट पे देखिएगा, फ्रैक्शनेटेड कॉलम की पिक्चर आपको मिलेगी, ठीक है। तो उसमें जैसे जैसे लिक्विड वेपर में जाते हैं, फिर वेपर को नेक्स्ट कंडेंस करते हैं, फिर नेक्स्ट कंडेंस करने के बाद फिर बॉयल करते हैं, फिर बॉयल करेंगे वेपर बनेंगे, फिर वेपर कंडेंस करेंगे लिक्विड बनेगा। तो जितना ये कॉलम ये होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ये उनकी जो एफिशिएंसी है उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट्स। अब एक्चुअली थ्रेटिकल प्लेट्स क्या होती हैं? थ्रेटिकल प्लेट्स एक्चुअली द नंबर ऑफ इफेक्टिव वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन स्टेप्स। तो थ्रेटिकल प्लेट्स क्या हुई? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो हमारे पास इसका था पेट्रोलियम, दैट इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट ऑयल्स, किरोसिन ऑयल है उसके अंदर, डीजल ऑयल्स है, पेट्रोल है, उनको सब का मिक्सचर हमने डाला। और जब उनको हम सेपरेट करेंगे, हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है वो पहले सेपरेट हो जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा वो एट एंड रह जाएगा, और जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो पहले सेपरेट हो जाएगा नेक्स्ट। तो ये डिपेंड करता है क्या जी? एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, जो अभी हमने बोला था, एवेपोरेशन करेंगे, कंडेंस करेंगे, तो एक स्टेप बना, एक थ्रेटिकल प्लेट बनी, फिर नेक्स्ट एवेपोरेट करें, उस नेक्स्ट जो मिक्सचर बना फिर उसको कंडेंस करें, तो एक नेक्स्ट थ्रेटिकल प्लेट बनी। दैट आर रिक्वायर्ड टू अचीव अ कंडेंसेट ऑफ गिवन कंपोजिशन फ्रॉम अ गिवन डिस्टिलेट। तो इस तरह हम जो है ना, जितने नंबर इफेक्टिव वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन स्टेप होंगे, तो जो जरूरत पड़ेगी कि एक कंपोजिशन को हम डिस्टिलेट कर सके, मिक्सचर को सेपरेट कर सके। दस द डिग्री ऑफ सेपरेशन शोन इन फिगर ए,
ये फिगर ए में द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है थ्री थ्रेटिकल प्लेट्स, ये एक थ्रेटिकल प्लेट्स, फिर ये नेक्स्ट थ्रेटिकल प्लेट्स और ये नेक्स्ट थ्रेटिकल प्लेट्स, मीन एवेपोरेशन भी है कंडेंसेशन भी है, एवेपोरेशन भी है और कंडेंसेशन भी है, एवेपोरेशन भी है और कंडेंसेशन भी है। ये नेक्स्ट जो मिक्सचर है ना, ये एक यहाँ बॉयल के ये मिक्सचर बना, इसको अब कंडेंस किया, अब ये मिक्सचर और बन गया, अब इनका इनका ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये मिक्सचर को हमने कंडेंस करके ठंडा करा है, ले है जीरो टेम्परेचर पे, फिर इसको बॉयल किया तो ये बॉइलिंग पॉइंट इसका ये हो जाएगा, फिर इसको कंडेंस करेंगे इन वेपर्स को, फिर ये इनका है कंडेंस करने के बाद जीरो टेम्परेचर लेंगे, फिर इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो रहा है, तो इस तरह ये थ्रेटिकल प्लेट्स हमें थ्री मिली। दस द डिग्री ऑफ सेपरेशन शोन इन फिगर ए द फ्रैक्शनेटेड कॉलम है थ्री थ्रेटिकल प्लेट्स, इसके अंदर थ्री थ्रेटिकल प्लेट्स हैं, याद रखिएगा। अगर हमारे पास लिक्विड मिक्सचर जो हमने मिक्स किया है जिनको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट का अगर बहुत ज़्यादा फर्क है तो उनमें थ्रेटिकल प्लेट्स कम जरूरत पड़ेंगे, और अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट करीब हैं मीन पार्शियल प्रेशर उनके करीब तर हैं तो फिर हमें थ्रेटिकल प्लेट्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह उनको फिर जाके सेपरेट करेंगे। To achieve the same separation for the system shown in figure B, in which the components liquid A or B suppose करें have more similar partial pressure, mean इनके partial pressure करीब दर है, यानी कि अगर liquid mixture एक का boiling point है let's suppose 20 degree centigrade और एक है 50, तो एक बहुत फर्क है, तो यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में थ्रेटिकल प्लेट्स कम जरूरत पड़ेंगे, कंडेंसेशन एवेपोरेशन जल्दी ये सेपरेट हो जाएंगे, और अगर उनके हो एक का लेट्स सपोज 25 है और एक का 30 है, करीब करीब है, सिमिलर पार्शियल प्रेशर अगर हो करीब तर हो तो देन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मस्ट बी डिजाइंड, हमें फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फिर इस तरह डिजाइन करें ऐसा जो ऑपरेटर यूज करें जिसके अंदर नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट्स ज्यादा हों, जैसा कि इस फिगर के अंदर यहाँ जो लिक्विड मिक्सचर हम सेपरेट करने जा रहे हैं सपोज करें उनके पार्शियल प्रेशर करीबतर है तो लिहाजा इनकी थर्टिकल प्लेट्स भी हमें ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी और यहाँ 5 थर्टिकल प्लेट्स बन रही हैं। सो द नंबर ऑफ थर्टिकल प्लेट्स इज द नंबर ऑफ स्टेप्स, थर्टिकल प्लेट्स क्या हैं इसको रिपीट करें, नंबर ऑफ स्टेप्स हैं नीडेड जो जरूरत पड़ते हैं टू ब्रिंग अबाउट अ स्पेसिफाइड डिग्री ऑफ सेपरेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर, एक मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए जितने हमें स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी उनको हम बोलेंगे थ्रेटिकल प्लेट्स, और वो स्टेप्स क्या हो सकते हैं बॉइलिंग कंडेंसेशन। द टू सिस्टम्स शोन इन फिगर ए, ये एक सिस्टम ये दूसरा सिस्टम, इनमें थ्रेटिकल प्लेट्स 3 है और इसमें थ्रेटिकल प्लेट्स 5 है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।